क्लास सिक्स हिंदी वर्कबुक चैप्टर सिक्स सुबह प्रसंग कथा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको इस बॉक्स में लिखना है। पहला है, रेशमा अब 11 साल की लड़की है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी, तो लड्डू बनाना चाहती थी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ, तो दृढ़ता दृढ़ता महसूस हुई, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई, तो ट्रॉफी लाई, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पांचवा, कि रेशमा किन के साथ फूल झड़ियाँ छूटा रही थी, तो दादा दादी के साथ वो फूल झड़ियाँ छूटा रही थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था, तो पोलियो हो गया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो बुजुर्ग, शोर, दलिया, भुलक्कड़ और निर्भर। तो पहला है, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, तो भुलक्कड़ आ जाएगा। रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, तो निर्भर लिखेंगे। रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा। रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, रेशमा ने सोचा ज़रूर आज कोई खास बात है, क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशमा के पांव बेजान हो गए थे, क्योंकि उसे पोलियो हो गया था, तो क सही हो जाएगा। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी, तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, रेशमा सबकी आंखों का तारा है, क्योंकि ब सही हो जाएगा। वह बहुत जिंदा दिली, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है, तो घर की साफ सफाई का काम कर लेना चाहिए। दूसरा, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की, कि घर की सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं दिया गया। तीसरा, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी, उस समय बाजार से ज़रूरी सामान लाने वाला कोई नहीं था। चौथा, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है, तो इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। पांचवा, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई, क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखों से जलने से बचाया था। आगे है, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा, कि गोलू को हमेशा रेशमा का धमाकेदार धक्का याद रहेगा। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है, तो रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है, तो रेशमा हर सुबह नए इरादों के साथ अपने काम में जुट जाती है। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा, तो लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा, तो गोलू को पटाखों से जलने से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, इसलिए दीपावली आने से पहले घर की साफ सफाई करते थे। दूसरा प्रश्न है, कि रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा, तो उत्तर है, कि रेशमा 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे, इस शारीरिक कमी के कारण रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा प्रश्न है, कि रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की, तो रेशमा ने अलमारी से डिब्बे उतार कर साफ किए थे, डिब्बे पर लेबल लगाए, एक एक डिब्बा और बर्तन माँ को देती गई, माँ उसे सही ढंग से रखती गई, इस प्रकार रेशमा कुर्सी पर बैठकर माँ की मदद करती गई। रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो रेशमा के पीलियों के कारण यानी पोलियो के कारण
उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। शारीरिक कारण से मन से स्वस्थ थी, वे अपना काम खुद करती थी, वह किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। पूरी लगन से माँ को घर के कामों में मदद करती थी, बाजार से सामान अपने पहियेदार कुर्सी पर बैठकर ले आती थी। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है जान आना, तो उसका अर्थ होगा चेतना आना। वाक्य ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई। आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। वाक्य रवि अपनी माँ की आँखों का तारा है। आवाज़ देना यानी बुलाना। वाक्य कि माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। वाक्य निधि घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पांचवा है मग्न हो जाना यानी तल्लीन हो जाना। वाक्य के मैदान में जाकर हम खेलने में मग्न हो जाते हैं। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। वाक्य के मुझे प्रथम नंबर मिलने पर पिताजी ने पीठ थपथपाई। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मंडराना यानी आकाश में काले बादल मंडराने लगे। बाधा यानी हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। तीसरा है उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बहुत उत्सुकता है। दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। बुजुर्ग, हमें बुजुर्ग लोगों का आदर करना चाहिए। व्यस्त यानी सुबह होते ही सब काम में व्यस्त हो जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। आपको विशेषण छाटने हैं। यहाँ पे विशेषण जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। तो काले काले क्या हैं, विशेषण है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, तो ऊंचे और सुंदर ये दोनों विशेषण हैं। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, तो सफ़ेद और हरी। छोटा बच्चा फिसल गया तो छोटा। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं तो 10। कुत्ता वफादार प्राणी है तो वफादार। आगे हैं निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए। जो पहला आता है उसको पहले लिखने का, शब्द कोश के अनुसार। और अंगूर, फिर आ से आकाश, फिर तो आएगा तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, लंबी, सुंदर और श्रेष्ठ। ये शब्द कोश के क्रम में लिखा है।